नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है, तो वहीं उनके बेटे अब्बास अंसारी भी अवीडी के शिकंजे में बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आ गई है। दरअसल वो खबर क्या है, इसकी पूरी जानकारी तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि मैंने जो स्टॉक के लिए एक इंटरव्यू दिया था, जो स्टॉक में मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिसकी तस्वीर और वीडियोस मैंने आप सभी के बीच साझा किया था, तो फाइनली जो स्टॉक माटी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरा वो इंटरव्यू रिलीज किया जा चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें, और वीडियोस देखने के बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कहें, और उस तस्वीर को, उस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा साझा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। दरअसल बात करें तो जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले और विधायक अब्बास अंसारी के मामा सरजील रजा उर्फ अतीब पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है। ईडी की टीम सोमवार शाम गाजीपुर जिला कारागार से रिहाई के बाद शाम 7:30 बजे हिरासत में लेकर प्रयागराज रवाना हो गई है। इससे पूर्व टीम ने करीब 1.5 घंटे तक कारागार गेट पर कागजी कार्रवाई पूरी की। नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेहुल्लाहपुर में सरकारी ताल पर कब्जा करने के साथ ताल को पाट कर गोदाम तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण करा दिया गया था, और इस मामले में नंदगंज थाने में राजस्व विभाग की टीम ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनसा अंसारी साले अनवर शहजाद सरजील रजा उर्फ अतीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 महीने पहले कोर्ट में किया था सरेंडर, साथ ही गोदाम को कुर्क करके रास्ते को भी ताल की जमीन में खुदवा कर मिलवा दिया है। इसी मामले में बीते सितंबर महीने में सरजील रजा एवं अनवर शहजाद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया था। करीब 1.5 सप्ताह पूर्व प्रयागराज से आई ईडी टीम जिला जेल में बंद सरजील रजा और अतीफ और अनवर शहजाद से पूछताछ करने के लिए 2 दिनों तक गाजीपुर में डटी रही थी। सरजील रजा और अतीफ के जमानत से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट्स के माध्यम से सोमवार को जेल प्रशासन को प्राप्त हो गए हैं, तो वहीं अब जो है वो कहीं ना कहीं उनके सालों के भी मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस कड़ी में आपको पता होगा कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब जो है साले पर तलवार लटक रही है, और इस मामले में पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वो अब फिर से जेल जाएंगे या फिर जमानत पर रिहा हो जाएंगे। लेकिन मुश्किलें अब्बास अंसारी से लेकर उनकी माँ यानी कि अफनसा अंसारी और उनके मामा मुँह की जो मुश्किलें है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।